नमस्कार दोस्तों, साइंस पॉइंट स्कूल नदवई द्वारा संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ में टॉपिक है अवकलन। तो देखिए भाई, अवकलन में चैप्टर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का ए है हमारा e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस e की पावर x की पावर 5 फलन से dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसे हम लिखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर 2 प्लस e की पावर x की पावर 3 कहां तक है भाई, x की पावर 5 तक। तो लिखते हैं e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। अब देखिए भाई, अब इसका हमें क्या करना है भाई, अवकलन। तो देखिए, अवकलन करने पर तो देखिए d अपॉन dx e की पावर x प्लस d अपॉन dx e की पावर x की पावर 2 प्लस d अपॉन dx e की पावर x की पावर 3 प्लस d अपॉन dx e की पावर x की पावर 4 प्लस d अपॉन dx e की पावर x की पावर 5। ठीक है, अब देखिए भाई, क्योंकि d अपॉन dx e की पावर x, e की पावर x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है भाई, e की पावर x। तो देखिए, यहां से मैं इसका अवकलन कर रहा हूं, e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x इंटू और x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस। देखिए भाई, e की पावर x की पावर 2, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो अवकलन करेंगे वो किसका करेंगे भाई, e की पावर x का। तो e की पावर x का जब अवकलन करेंगे तो क्या हुआ, e की पावर x, अब किसका करना भाई, x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2x, क्या हो जाएगा 2x। देखिए, ये पूरा मैंने x माना तो क्या बन गया e की पावर x, तो e की पावर x का जब अवकलन करेंगे तो e की पावर x इंटू, अब किसका करना भाई, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा भाई 2x प्लस। सेम यहां e की पावर x का अवकलन e की पावर x, अब किसका करना भाई, x की पावर 3, और x की पावर 3 का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 2। क्यों होगा भाई, क्योंकि देखिए एक सूत्र होता है हमारे पास x की पावर n d अपॉन dx x की पावर n, इसका जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो n का मान यहाँ पे कितना भाई 3, तो 3 इंटू x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे कितने बच गए 2। देखिए भाई, प्लस d अपॉन dx e की पावर x का e की पावर x इंटू, अब किसका करना भाई, x की पावर 4, और x की पावर 4 का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा 4x की पावर 3 प्लस। अब देखिए भाई, यहां से e की पावर x का अवकलन e की पावर x, x की पावर 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। ठीक है, अब देखिए क्या गया भाई, e की पावर x प्लस 2x इंटू e की पावर x की पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x की पावर 3 प्लस 4x क्यूब इंटू e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू e की पावर x की पावर 5। यही क्या है हमारा, देखिए ये पूरा हमने क्या माना भाई, बाई, क्या माना बाई, इसका अवकलन किया तो क्या हो गया dy by dx, तो किसका मान निकल गया भाई dy by dx का, तो dy by dx कितना आ गया भाई e की पावर x प्लस 2x इंटू e की पावर x स्क्वायर प्लस
थ्री एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स की पावर फोर इंटू ई की पावर एक्स की पावर फाइव। यही किसका मान है भाई? डीवाई बाई डी एक्स। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सात का बी है हमारा अंडर रूट ए की पावर रूट एक्स, फलन से डीवाई बाई डी एक्स याद कीजिए। तो देखिए माना बाई बराबर अंडर रूट ए की पावर रूट एक्स, ठीक है। देखिए भाई अब इसका क्या करना है, अवकलन। तो देखिए अवकलन करें डी अपॉन डी एक्स बाई बराबर डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट ए की पावर रूट एक्स, ठीक है। देखिए भाई अब तो इसका हम क्या कर रहे हैं भाई, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रूट एक्स ये पूरा मैंने क्या मान लिया एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन हो गया। अब किसका करना भाई, एक्स का। तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर रूट एक्स, ठीक है। अब किसका करना भाई, ई की पावर रूट एक्स का, और ई की पावर रूट एक्स के बाद किसका करना भाई, रूट एक्स का। तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, अब रूट एक्स के बाद किसका करना भाई, एक्स का। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स। देखिए सबसे पहले हम किसका अवकलन करेंगे भाई, अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स का, ठीक है। फिर किसका करना भाई, ई की पावर रूट एक्स का, उसके बाद किसका करना भाई, रूट एक्स का, और उसके बाद किसका करना भाई, एक्स का, ठीक है। तो देखिए डी बाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए भाई मैंने बताया रूट एक्स ये पूरा मैंने एक्स मान लिया, तो ये क्या बन गया भाई, रूट एक्स। और रूट एक्स का जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, क्या होता है भाई, वन अपॉन टू अंडर रूट में एक्स, तो e की पावर रूट एक्स, ठीक है। एंटी अब देखिए भाई e की पावर एक्स, और e की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है भाई, e की पावर एक्स, ठीक है। इंटू अब किसका करना भाई, रूट एक्स का, रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। और एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वन। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए ई की पावर एक्स का इनसे क्या हो रहा है भाई, एक से क्या हो रहा है, गुणा, तो ये हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स बटे, देखिए भाई दो का गुणा दो से करेंगे तो कितना आ जाएगा, चार। अब देखिए अंडर रूट में एक्स है और अंडर रूट में क्या भाई, ई की पावर रूट एक्स, तो इसको अंडर रूट में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि देखिए इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट तीन, या लिख सके अंडर रूट में दो गुणा तीन लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार ये लिख दिया हमने अंडर रूट में एक्स इंटू अंडर रूट में ए की पावर रूट एक्स, यही क्या है भाई, डी वाई वाई डी एक्स। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आठ का ए, कॉस एक्स बटे लॉग एक्स, फलन से डी वाई बाई डी एक्स याद कीजिए। तो देखिए माना बाई बराबर कॉस एक्स बटे लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए भाई इसका हमें क्या करना है भाई, अवकलन करें, तो डी अपॉन डी एक्स बाई बराबर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बटे लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए भाई चूंकि डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी बराबर एक सूत्र है भाई, ये क्या है भाई, देखिए वी कॉन्स्टेंट यू का अवकलन माइनस यू कॉन्स्टेंट वी का अवकलन बटे में बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या भाई, अवकलन सूत्र। तो इस सूत्र के आधार पर इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए भाई यहां पे हमें क्या करना है भाई, यू अपॉन बी का क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। तो देखिए बी का मान तो क्या है, लॉग एक्स, और यू का मान क्या है भाई, कॉस एक्स, तो लगाए भाई। तो देखिए बाई का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई वाई डी एक्स बराबर, देखिए भाई
वी कॉन्स्टेंट यानी कि लॉग एक्स कॉन्स्टेंट और अवकलन किसका करना भाई यू का, तो डी अपॉन डी एक्स, यू का मान कितना भाई कॉस एक्स माइनस, अब देखिए भाई यू कॉन्स्टेंट यानी कि कॉस एक्स कॉन्स्टेंट और अवकलन किसका करना भाई लॉग एक्स का, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है। बटे देखिए भाई डी का मान कितना भाई लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए लॉग एक्स कॉन्स्टेंट अवकलन किसका करना था कॉस एक्स का, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना होगा भाई वन माइनस, देखिए कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, अब देखिए लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो वन अपॉन एक्स, ठीक है। बटे देखिए भाई ये क्या है लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे भाई एक, और इन दोनों का क्या करेंगे भाई लघुत्तम लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए भाई यहां से इन दोनों का लघुत्तम मिला कितना एक्स, एक का भाग एक्स में देंगे एक्स बार और एक्स का गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, देखिए साइन एक्स लॉग एक्स तो पहले से ही है और एक किसका गुणा और हो गया भाई एक्स का गुणा हो गया, तो क्या हो गया माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस, देखिए एक्स का एक्स में भाग देंगे एक बार, एक का गुणा कॉस एक्स से करेंगे तो कॉस एक्स, ठीक है। बटे लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए भाई इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानने वाले एक, भिन्न के बटे में भिन्न हो गई, नीचे वाली भिन्न को किसमें चेंज कर देंगे भाई गुणा में, तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, माइनस कॉमन लीजिए तो क्या बन गया भाई प्लस कॉस एक्स बटे एक्स इंटू, देखिए गुणा में चेंज करेंगे तो हर को क्या बना देंगे अंश और अंश को क्या बना देंगे हर, तो लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बटे एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही डी वाई बाई डी एक्स का मान है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आठ का बी हमारा वाई बराबर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 अनंत, देखिए भाई अनंत बार इसकी पावर क्या होती जाएगी रूट एक्स चलती जाएगी, तो देखिए भाई हम इसे लिख सकते हैं बाई बराबर रूट एक्स, देखिए बाई का मान क्या है भाई रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अनंत तक है, तो इसे हम लिख सकते हैं बाई बराबर रूट एक्स की पावर बाई, लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि बाई का जो मान है वो है रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स है क्या नहीं, तो इसके स्थान पर हमें क्या लिखते भाई बाई लिख दिया, तो देखिए अब इसका क्या करना है हमें दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, तो लॉग ले भाई तो ये हो जाएगा लॉग बाई बराबर इसका क्या होगा भाई घात क्या हो जाएगी गुणा में चेंज हो जाएगी तो बाई लॉग रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करना भाई इसका अवकलन, तो देखिए अवकलन करने पर देखिए भाई डी अपॉन डी एक्स लॉग बाई बराबर डी अपॉन डी एक्स बाई लॉग रूट एक्स, ठीक है। देखिए भाई डी अपॉन डी एक्स लॉग बाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई वन अपॉन बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बराबर। अब देखिए भाई ये रूट एक्स है और यहां पे एक्स रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू, तो ये हो जाएगा वन बाई टू बाई लॉग एक्स,
ठीक है, क्यों क्यों हो जाएगा? देखिए भाई, ये रूट एक्स है, यहां रूट एक्स को लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 1/2 और 1/2 की पावर बाई, ऐसे ही है ना, रूट एक्स की पावर बाई। अब देखिए, जब हम इसका लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगी, गुणा में, तो क्या हो जाएगा, बाई लॉग एक्स की पावर 1/2। अब इसका भी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगी, गुणा में आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, बाई लॉग एक्स, यही आएगा ना। तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम डी अपॉन डी एक्स 1/2 बाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्या करना है भाई, में अवकलन करना है। तो देखिए, अब इसका क्या करना भाई, में अवकलन, तो अवकलन करें भाई, तो देखिए ये हो गया 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए भाई 1/2 कॉमन लीजिए, ठीक है। अब किसका अवकलन देखिए भाई, यू इंटू बी से यू कॉस टेन, वी का अवकलन प्लस वी कॉस टेन यू का अवकलन, ठीक है। तो अवकलन करें भाई, यू कॉन्स्टेंट बी का अवकलन प्लस बी कॉन्स्टेंट यू का अवकलन, और बी का मान क्या भाई, लॉग एक्स, ठीक है। तो देखिए 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2, देखिए भाई बाई कॉन्स्टेंट है, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे 1/x और एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट और बाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए 1/2 का क्या हो रहा है, इसमें गुणा हो रहा है, गुणा कर दीजिए 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए बाई का गुणा 1 से करेंगे तो बाई और 2 का गुणा किससे करना है भाई 2x, 1/2 का जब इससे गुणा करेंगे तो एक्स का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 1 का गुणा बाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा बाई प्लस, देखो 1/2 से इसका गुणा करना है तो ये हो जाएगा log x बटे 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए भाई डी वाई बाई डी एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ लीजिए, तो एक तरफ ले भाई, तो देखिए इसका इधर क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं भाई, तो देखिए ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस log x by 2 into dy by dx बराबर, इधर क्या बच गया भाई y अपॉन में 2x, ठीक है। अब देखिए भाई इसमें से dy by dx कॉमन लें, तो dy by dx कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1/y माइनस log x बटे 2, ठीक है बराबर y बटे 2x, ठीक है। अब देखिए भाई इन दोनों का क्या करना है भाई, लघुत्तम लेंगे, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा भाई 2y, ठीक है। बाई का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 माइनस, देखिए भाई 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा बाई बार, और बाई का गुणा किससे करना भाई log x, तो ये हो जाएगा बाई log x, ठीक है। अब देखिए भाई बराबर में क्या है बाई अपने बाई बटे 2x, देखिए इसका इससे क्या हो रहा है भाई गुणा, पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा भाग, तो देखिए पक्षांतर करें भाई तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाई बटे 2x बटे, देखिए पक्षांतर कर रहे तो भाग बन जाएगा तो 2 माइनस बाई लॉग एक्स बटे में क्या हो जाएगा भाई 2y, ठीक है। अब देखिए भाई भिन्न के बटे मिले नीचे वाले भिन्न को किसने चेंज कर दे भाई गुणा में, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाई बटे 2x इंटू 2y बटे 2 माइनस
टू बाई बटे टू माइनस बाई लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए दो से दो कैंसिल हो गया, बाय इंटू बाय करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बाय स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाय स्क्वायर बटे या क्या बचेगा एक्स इंटू टू माइनस बाय लॉग एक्स, यही क्या भाई डी वाई बाई डी एक्स।